जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो, रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर देखो, और एक बार करने के बाद में बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। वो कुबेरेश्वर मेरा, शिव मेरा, ओघड़ी मेरा, दयालु दातार, करुणा कर ही दे। करना उसी को है जिस जो इंटरव्यू दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जा, नहीं, जो जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़ा। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो महाराज। उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं महाराज, किसी भी 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो, और अपनी मनोकामना कर कर एक लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो, चुटकी भर, बस ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है, या व्यापार नहीं चल रहा, या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा का लगा ही देगा, कैसे ही लगाए। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय। हम तो यहाँ तक कहेंगे देसी गाय का घी हो, कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का, उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए, तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती माँ तुम्हारे साथ गई। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहु रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद, तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही
बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, होते हैं विरोध में खड़े होने वाले तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना। जा शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। महाराज मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, या कंपटीशन एग्जाम है, या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिएगा शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा। और प्रदोष काल में ही करे, इसका ध्यान रखे महाराज। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे, और शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूँ, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूँ। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल कट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, करके देखो कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, ना सियोर वाला महाराज कहीं जा रही है, ना तुम कहीं जा रहे हो, आ जाना वापिस सही कुबेरेश्वर धाम, तो चढ़ाओ, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो, और एक दृढ़ती से करो प्रतिपदा। आज जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए, और रात भर उसको रख लेने दो, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आदि शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में, जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र जो शंकर भगवान का जल नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाता है। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिक है उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाता है। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है वहां समर्पित किया जाता है। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। पांचवा बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता है। छठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर
बेलपत्र को गीला कर कर बीज की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है अपनी कामना कर कर। और आठवां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है, और नवा बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है उसकी मनोकामना शंकर पूर्ण कर देते हैं महाराज। ऐसे नव बेलपत्र से नव निधियां, ऐसे नव बेलपत्र से नव आनंद, नव सुख, नव निधि जीव को प्राप्त हो। मात्र नव बेलपत्र हम जो शंकर को समर्पित करते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं आपके पास में नहीं है बेलपत्र, तो मेरे शिवलिंग का चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। कल कथा में कहा था शंकर भगवान पर के तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं। प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े, कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारें। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।